बिरयानी, पाव भाजी, बटर चिकन और भारत का वेजिटेरियन फेवरेट पनीर। अरे वार्निंग दे रहा हूँ, इस वीडियो को देख के ना आपकी लार टपकने वाली। नमस्ते, मेरा नाम है पारस तोमर और मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडिया की फेवरेट डिशेस। तुम रोज खाते हैं इसलिए हम जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं ये डिशेस इंडिया में आई कहाँ से? तो ले आओ अपनी फोक, चम्मच, छुरी, बिकॉज़ यू आर गोइंग टू लव दिस स्टोरी। शुरुआत करते हैं बिरयानी से। बिरयानी, तो इस शब्द से ही शुरुआत करते हैं। बिरयानी एक्चुअली एक पर्शियन वर्ड है। बिरयान का मतलब होता है पकाने से पहले तलना, टू फ्राई बिफोर यू कुक। बिरयानी कहानी ऐसी है, मुमताज महल, अरे शाहजहां की वाइफ मुमताज महल, याद है ताज महल जिनके लिए बनाया गया था। वेरी गुड। ओके, सो मुमताज महल एक बार अपने जो आर्मी के बैरिक्स नहीं होते जहाँ पर उनकी सारी सेना वेना रहती थी, वहाँ पे गई। तो मुमताज महल, तीन मुमताज महल ने सारे सैनिकों को देखा, उनको लगा यार बड़े कमजोर और पतले पतले लग रहे हैं। उनकी डाइट को चेंज करने के लिए और उनको तंदुरुस्त बनाने के लिए द मुमताज महल वेंट टू द हेड शेफ एंड शी सेड, यार इनको कुछ अच्छा खिलाओ, थोड़ी तंदुरुस्ती बढ़ाओ। तो उस हेड शेफ ने काफी सारे डिशेस के साथ एक्सपेरिमेंट किया, मुमताज महल ने काफी को रिजेक्ट कर दिया। नहीं 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 नहीं, ओह दिस इज गुड। जिसको मुमताज महल ने चेक मार्क दिया था, यू गेस्ट इट, वो थी बिरयानी। और ये सैनिकों के लिए अच्छी इसलिए थी क्योंकि बिरयानी में राइस के कार्बोहाइड्रेट्स होते थे, सब्जी के विटामिन्स होते थे और मटन और चिकन का प्रोटीन होता था। फुल मील सेना के लिए। एंड अ नोट टू वेजिटेरियंस, भाई वेजिटेरियन बिरयानी कुछ नहीं होता, मानो या ना मानो उसको बोलते हैं पुलाव। नॉन वेजिटेरियंस वाले कॉमेंट्स पे अग्री कर देना हार्ट पेज के, वेजिटेरियंस वाले तो कॉमेंट्स में गाली देंगे, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती। वेज नॉन वेज की बात हो ही रही है, बात करते हैं मेरे फेवरेट की, बटर चिकन। Oh, I love बटर चिकन। बटर चिकन वॉज बॉर्न बाय एक्सीडेंट, एक्चुअली नॉट एक्सीडेंट बट इन्वेंशन। कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो बात ऐसी है कि एक फैमिली थी जो कि पार्टीशन के पहले रहती थी पेशावर में। पार्टीशन होने के बाद वो पाकिस्तान से भारत आ गए। बटर चिकन जन्मा था दिल्ली में, न्यू दिल्ली में नहीं, पुरानी दिल्ली में। तो इस रेस्टोरेंट में जब रेस्टोरेंट बंद होने वाला था, एक दिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी आ गया। अब शेफ ने रात को सोचा भाई इसको नो तो बोल नहीं सकते, कुछ स्पेशल बनाना पड़ेगा। उन्होंने अपना पूरा किचन खोला, दिखा भाई चिकन तो बहुत सारा है, इसका क्या करें, चाहिए भी थी कोई ऐसे हैवी डिश। उन्होंने दिमाग लगाया, चिकन लिया, उसमें डाली बहुत सारी मलाई और डाला बहुत सारा मक्खन, बना दिया चट स्पाइसी, गेस्ट को दे दिया। अभी गेस्ट निकले वहाँ के आसपास के एक लोकल राजा टाइप पर्सन, वीवीआईपी, वीवीआई को पसंद आ गई डिश। फिर वो जब भी आते थे बोलते थे कि मेरे को जो उस दिन खाया ना वही खाना था, एंड हेंस द बटर चिकन वाज बोर्न। इतना रासम कुकुरुकू। अच्छा मेरे को पता है कि हमारे शाकाहारी दोस्त हमको गालियां दे रहे हैं, लेट्स फिक्स दैट प्रॉब्लम। अब वेजिटेरियन हो, क्या खाओगे? पनीर। पता था भाई, देखो बटर चिकन तो ध्यान से सोच समझ के बनाया गया था, पर पनीर, पनीर वाज एक्चुअली अ प्योर एक्सीडेंट। बात ऐसी है, कुछ मंगोल्स एक ट्रिप पे जा रहे थे। अब मंगोलियन सेना ऑब्वियसली घोड़ों पे जाती थी, उस टाइम के तो बैग जो होते थे वो बनते थे लेदर से, बाकी में राशन, फल, फ्रूट, खाना पीना सब सब ले लिया। अच्छा कुछ लेदर बैग में इन्होंने डाल दिया दूध। सो स्मार्ट। अब सोच लीजिए, मंगोलिया के सेना धूप में अपने घोड़ों पर जा रही, धूप प्लस लेदर बैग प्लस मिल्क, बनना ही था पनीर। अब वो जब दूध फट गया, आप और मेरे जैसे लोग उसको फेंक देते, पर उनको लगी थी भूख, सेना के पास इतना राशन थोड़ी होता, तो उन्होंने कैसे कैसे उसको खाना शुरू कर दिया। जब वो खाने लगे उनको लगा यार ये तो बड़ा अच्छा है, एंड हेंस पनीर वाज बोर्न बाय एक्सीडेंट। मंगोलिया से पनीर पहुंच गया मुगल्स के पास, और जब मुगल भारत आए अपने साथ पनीर लाए। अच्छा एक जो डिश है जो वेजिटेरियंस को बहुत अच्छी लगती है, जिसका ओरिजिन एक्चुअली मुंबई से है, वो है एक बहुत ही पॉपुलर स्नैक। स्नैक क्या, एक्चुअली पूरा मील ही है, भूख लगी है। हाँ जी, तो क्या खाओगे? पाव भाजी। वाह, पाव भाजी का जन्म हुआ था मुंबई में। तो बात ऐसी है कि काफी तरह जो फैक्ट्रीज होती थी और मिल्स होती थी मुंबई में, उनके जो वर्कर्स हैं उनको ब्रेक के लिए बहुत छोटा और कम टाइम मिलता था, हमेशा जल्दी और हड़बड़ी में खाते थे, पर जितना कुछ खाना चाहते थे वो खा नहीं पाते थे। अब स्टोरी ऐसी कि एक लोकल वेंडर थे जिन्होंने ये देखा, तो उन्होंने ऐसा मील बनाने की कोशिश की जिसमें सब कुछ हो जो फटाफट खाया जाए। अगेन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ये जो वेंडर था इसने राइस और रोटी तो साइड में रख ली बाकी डिशेस के साथ के लिए, और जितने भी सब्जियां ये वो एक्स्ट्रा चीज उसके पास थी उस सबको कूट कूट उसने एक डिश बना दी, उसका नाम पड़ गया भाजी। और इसको खाने के लिए उसने दे दिए दो पाव, पाव प्लस भाजी। तो एक्सपेरिमेंट मेरे लोगों को इतना पसंद आया कि पाव भाजी आज भी कितनी पॉपुलर डिश है। अगली बार जो पाव भाजी का फैंसी रेस्टोरेंट में, ये याद रखना कि बनाई गई थी मेहनती लोगों के। यू नो वन मोर थिंग, जिसमें सारी चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट, अच्छी एनर्जी, लॉट्स ऑफ सब्जियां, और अगर आप चाहो मीट, क्योंकि ऐसा मस्त खाने से मजदूरों को आता था जोश। रोगन जोश, निसिन कप नूडल्स, रिच मटन करी, मटन
भी है, अंदर फोम भी है, नूडल्स तो है ही। अब फिर से वेजिटेरियन बोलेंगे हमारी सब्जियां कहां है। अरे निशन कप नूडल्स का वेजिटेरियन फ्लेवर ट्राई कर लो। ओह नूडल से याद आया, एक जो चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगती है वो है नूडल समोसा। अब आप बोलोगे लेकिन समोसे में तो आलू होता है, लेकिन आलू अब होता है, पहले तो उसमें मीट होता था। समोसा तो हम सब ने खाया है, पर समोसा कहां से आया है बताऊंगा ना। समोसा आता है सेंट्रल एशिया से। अब जो ट्रैवलर्स होते थे जो सेंट्रल एशिया से इंडिया आते थे, अब जब हम कहीं बाहर देश जाते हैं, फॉरेन कंट्री में जाते हैं, अपना खाकरा थेपला ऐसी चीजें लेके जाते हैं राइट, क्योंकि हम सबको फेमिलियर फूड अच्छा लगता है। ऐसी सेंट्रल एशिया के ट्रेडर्स लाए थे अपने साथ मैदे में बने ऐसे ट्रायंगल जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारा मीट वीट डाला हुआ। इजी टू कैरी, इजी टू स्टोर, क्योंकि बाहर मैदा था, अंदर की जो चीजें वो खराब नहीं होती थी क्योंकि मॉइस्चर एस्केप नहीं करता था। साइंस ब्रो। तो जब स्पाइस फ्रूट से ट्रेडर्स इंडिया आए, अपने साथ समोसे लाए। अब अगेन इंडिया में थे बड़े सारे लोग जिनको लगा आइडिया तो बड़ा अच्छा, उसको वेजिटेरियन कुछ नहीं बन सकता, इसलिए समोसे में पड़ गया आलू। वैसे समोसा है तो नहीं टेक्निकली इंडियन डिश, बट आलू डाला हमने। एक्चुअली इसका नाम एक्चुअली होता था समबोसा, SAMBOSA, हमारे बोलते बोलते बन गया समोसा। ये कहाँ गया? अच्छा बहुत शाकाहारी बातें हो गई। नॉन वेजिटेरियंस को चिकन और कबाब बड़े अच्छे लगते हैं, पर कबाब इंडिया में कहाँ से आया? यू नो टर्की, अरे बर्ड नहीं कंट्री। अब कबाब का एक पर्टिकुलर ओरिजिन तो नहीं लगता है क्योंकि कबाब के बहुत सारे वेरिएशंस वर्ल्ड में थे, पर जो एक स्पेसिफिक स्टोरी कबाब के बारे में, सीम्स लाइक द मदर ऑफ द कबाब स्टोरी। टर्की के जो सोल्जर्स थे वो हमेशा अपने साथ मीट कैरी करना चाहते थे क्योंकि मीट इज प्रोटीन। अब वो क्या करते थे, क्योंकि मीट ऐसे बड़े बड़े बकरे मुर्गे कहाँ उठा के जाएंगे, तो मीट को लेके रोस्ट करके टोस्ट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े बना देते थे और एक किसी तलवार में सारे टुकड़े ऐसे फंसा देते थे। और फिर जब खाना होता था ये मीट ऑलरेडी थोड़ा सा टोस्टेड था, अब उसको आग के ऊपर ऐसे बारबेक्यू कर देते थे। सो नाइस। और कबाब रेडी। कबाब इतनी बार खाई ये कभी नहीं सोचा कि सबसे पहले कबाब किसने बनाया क्यों होगा, इसलिए सैनिक बड़े मेहनती थे, इंटेलिजेंट भी थे। व्हाट अ ग्रेट वे टू हैव चिकन कबाब, फिश कबाब, मटन कबाब, एंड इफ यू वांट मटन करी, इट इज वन आई हैव, लिसन कप नूडल्स का रोगन जोश रिच मटन करी नूडल्स के साथ। उन टर्किश सोल्जर्स को मैं जाता हूँ, कितने खुश होते बेचारे। अच्छा मैं जाते जाते आपको एक और डिश के बारे में बताता हूँ, तंदूरी चिकन। यार तंदूरी चिकन, बटर चिकन, सबसे सारे लोग खुश होते हैं, सिर्फ बेचारे मुर्गे बड़े परेशान हैं। तंदूरी चिकन की कहानी कुछ इंटरेस्टिंग है, अभी थोड़े ऊपर ऊपर से सुनी सुनी कहानी है। कहा जाता है एक बार एक शेफ ने चिकन के पीसेस काट दिए, जैसे काटते हैं उसमें मसाला डाल दिया, जैसे डालते हैं, पर उसको कढ़ाई में या तवे पे नहीं डाला, उसको डाल दिया तंदूर में। तंदूरी रोटी बनती थी, जो निकला वो थोड़ा ड्राई जरूर था, पर जो वैसे गंट मस्त स्मोकी फ्लेवर आया ना, एवरीवन सेड वाओ ब्रो दैट इज ऑसम एंड द तंदूरी चिकन वाज बोर्न। और ये कहा जाता है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को तंदूरी चिकन बहुत अच्छा लगा था। देखो ये सुनी सुनाई बात, मैं थोड़ी जवाहरलाल नेहरू को जानता था, फॉर ऑल यू नो ही वाज वेजिटेरियन, जो मेरे ख्याल से वो थे नहीं। मैं आपको ये बता इसलिए रहा हूं क्योंकि उनको इतना अच्छा लगा कि काफी ऑफिशियल गैदरिंग्स में जहां बहुत सारे देशों से डिग्निटरीज आए थे, उन्होंने इस शेफ को बोला तंदूरी चिकन बनाने के लिए। अब डिग्निटरीज होते थे अलग अलग देशों से, तो तंदूरी चिकन इंडिया से गया बाकी देशों। इज दैट इनक्रेडिबल? ओह व्हेन आई थिंक अबाउट इट, पाव भाजी, बटर चिकन, तंदूरी चिकन, विच आर माय फेवरेट काइंड ऑफ चिकन, आर ऑल इंडियन। मेरा भारत महान। यार मेरे को ऐसे बड़ा अच्छा लगता है कुछ नया सीखने के लिए, और जब आप कुछ नया सीखो एंड देन यू रियलाइज इसके पीछे भी इंडिया का हाथ है, आई फील सो प्राउड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और शेयर जरूर करना, कमेंट्स में बताने की सारी डिशेस में से आपका फेवरेट कौन सा है। आई लव यू गाइस, नमस्ते एंड बिग पुची।